ब्रूस ली चीन की एक महान हस्ती थी जिन्हें लोग विश्व का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कहते थे। ली मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ हांगकांग एवं अमेरिका के अभिनेता, फिलोसफर, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और जीत कुंडो मार्शल आर्ट के संस्थापक भी थे। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के एक चीनी परिवार में हुआ था जो सैन फ्रांसिस्को में रहता था। उसके पिता ली होई चुएन कलाकार एवं माँ ग्रेस ली यूरोपियन महिला थी। ब्रूस ली की शिक्षा हांगकांग में हुई। उसने कई विषयों का अध्ययन किया था। इन्होंने अपने काम से बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। तो आइए आज ऐसे महान शख्स के अनमोल व प्रेरणादायी विचारों को सुनते हैं। जीवन की लड़ाई में हमेशा शक्तिशाली या तेज व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि अभी या बाद में वही जीतता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की, बल्कि मैं उस शख्स से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जिससे एक कठिन जीवन भी जी सको। चीजों को वैसे लो जैसी वे हैं। जब घूसा मारना हो तब घूसा मारें और जब किक मारनी हो तो किक। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं अच्छा हूं तो शायद आप कहेंगे कि मैं घमंड कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा नहीं हूं तो आप जान जाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहो, खुद को व्यक्त करो, स्वयं में भरोसा रखो। बाहर जाकर किसी और सफल व्यक्तित्व को मत तलाशो और उसकी नकल मत करो। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि ये वो कूड़ा करकट होते हैं जो आत्मविश्वास कम कर देते हैं। भाड़ में जाए हालात, मैं तो खुद अवसरों का निर्माण करता हूं। जब तक आप खुद हिम्मत नहीं हारते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। समय ही जिंदगी है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी से प्यार है तो समय बर्बाद मत करें। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप इसे कभी नहीं पाएंगे। ज्ञान आपको शक्ति देता है, लेकिन चरित्र आपको सम्मान देता है। मैं इस दुनिया में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं हूं और आप इस दुनिया में मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं है। कभी भी मुसीबत को तब तक मुसीबत में ना डालें जब तक मुसीबत आपको मुसीबत में ना डालें। मैं जानबूझकर किसी का अपमान नहीं करूंगा, ना ही आसानी से अपमानित होऊंगा। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। किसी और के सफल व्यक्तित्व को तलाश कर उसकी नकल करने की बजाय हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहकर स्वयं पर विश्वास करके खुद को व्यक्त करें। अभ्यास हमेशा खुद से परिपूर्ण बनाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम प्राकृतिक, कौशलपूर्ण, तेज और स्थिर हो जाता है। अकड़ रखने वाले लोग उन कठोर पेड़ की तरह होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमान भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। अगर आप हर चीज में अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर देंगे, शारीरिक या कुछ और, वो आपके काम आपके जीवन में फैल जाएगा। कोई सीमाएं नहीं है, सिर्फ ठहराव तथा चुनौतियां हैं और आपको वहां रुकना नहीं है बल्कि उनसे आगे जाना है। शक करने वालों ने कहा आदमी उड़ नहीं सकता, काम करने वालों ने कहा हो सकता है लेकिन हम प्रयास करेंगे, और आखिरकार एक चमकती सुबह वे ऊपर उड़ गए जबकि शक करने वाले नीचे से देखते रह गए। असफलता से डरो मत, असफलता नहीं बल्कि छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी शानदार होता है। जानना ही काफी नहीं है, हमें इसको इस्तेमाल करना आना भी चाहिए। इच्छा ही काफी नहीं है, हमें कुछ नया करना भी आना चाहिए। जो अंधेरे में चल रहे हैं और इससे अनजान हैं, वे कभी प्रकाश की तलाश नहीं कर पाएंगे। आज का सबसे मुश्किल काम, कल की तैयारी कैसे करना चाहिए। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम प्राकृतिक, कौशलपूर्ण, तेज और स्थिर हो जाता है। हमेशा महान लक्ष्य बनाओ, क्योंकि बड़े बड़े प्रयासों में असफल होना भी शानदार है। बात यह है कि बहता हुआ सड़ता नहीं है, इसलिए बस बहते रहो।
अकड़ रखने वाले इंसान उस सख्त पेड़ की तरह होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जितना अधिक हम चीजों को महत्व देते हैं उतना कम हम खुद को मान देते हैं। जो उपयोगी है उसे अफसोसित करें, जो बेकार है उसे त्यागें, और जो विशेष रूप से अपना है उसे जोड़े। मैं कुछ भी किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन खुद को ढूंढने में मदद जरूर कर सकता। दूसरों की आलोचना करना, उनकी भावना को ठेस पहुंचाना आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को जानना पूरी जिंदगी ले लेता है। यदि आप सोचते हैं कि कोई चीज असंभव है तो आप उसे असंभव ही बना देंगे। हार तब तक हार नहीं है जब तक कि इसे आपके अपने दिमाग में एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार न किया जाए। ज्ञान आपको शक्ति देगा, लेकिन चरित्र सम्मान देगा। आपका चरित्र ही आपको श्रेष्ठ और महान बनाता है। अतिरिक्त प्रयास करने को अपनी दैनिक जीवन की आदत का हिस्सा बना लें। सीखना संचय करना नहीं है, यह तो उस पल को जीना है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। असफलता से डरो मत। असफलता नहीं बल्कि छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी शानदार होता है। लक्ष्य का यह मतलब नहीं होता कि कहीं ना कहीं पहुंचना है। लक्ष्य का मतलब किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना होता है। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा जीत का जुनून रखने वाले ब्रूस ली के अनमोल विचारों को रोज अपनी ऊर्जा में शामिल जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।